छाती और पीठ में दर्द क्यों होता है, जाने इसके 6 कारण। कई बार लोगों को छाती और पीठ में एक साथ दर्द उठ जाता है। छाती और पीठ में दर्द क्यों होता है, जाने इसके बारे में। कभी कभार छाती या पीठ में दर्द होने सामान्य होता है। कुछ लोगों को बार बार छाती और पीठ में दर्द होता है रहता है। छाती और पीठ में दर्द होना अलग अलग कारणों की वजह से हो सकता है, लेकिन कई बार लोगों को छाती और पीठ में एक साथ दर्द होने लगता है। छाती और पीठ में एक साथ दर्द होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिम्मेदार हो सकते हैं। आइए छाती और पीठ में दर्द क्यों होता है इसके बारे में जानते हैं। छाती और पीठ में दर्द होता है इसके बारे में एंजाइना छाती से पीठ तक होने वाले दर्द का एक मुख्य कारण हो सकता है। एंजाइना में सीने में दर्द होता है। एंजाइना दर्द तब होता है जब हृदय में रक्त का प्रवाह बाधित हो जाता है। इसकी वजह से सीने में दबाव जकड़न महसूस हो सकती है। इसके अलावा एंजाइना से पीड़ित व्यक्ति को कंधों, बाहों, गर्दन और पीठ में भी दर्द हो सकता है। हार्ट अटैक छाती के पीछे बाई तरफ और पीठ में दर्द हार्ट अटैक का भी एक लक्षण हो सकता है। यानी जब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक जाता है तो छाती और पीठ में दर्द हो सकता है। हार्ट अटैक तब आता है जब हृदय में रक्त का प्रवाह सही तरीके से नहीं हो पाता है। इस स्थिति में हृदय की मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती है। छाती और पीठ में दर्द के साथ ही आपको हार्ट अटैक के अन्य लक्षण भी महसूस हो सकते हैं। इसमें उल्टी, मितली, पसीना, सांस लेने में कठिनाई और चक्कर आना आदि शामिल हो सकते हैं। पित्ताशय की थैली में समस्या। पित्ताशय की थैली में कई समस्या होने पर व्यक्ति को छाती या पेट के ऊपरी और पीठ के दाएं हिस्से में दर्द हो सकता है। जब पित्ताशय की थैली में मिनरल्स जमा हो जाते हैं तो छाती और पीठ में दर्द हो सकता है। इस स्थिति में पित्ताशय की थैली की पथरी के रूप में भी जाना जाता है। ये कभी काफ़ी दर्दनाक हो सकता है। पसलियों में समस्या। जब पसलियों की मांसपेशियों में खिंचाव आता है या जब चोट लगती है तो सीने में दर्द हो सकता है। पसलियों की समस्या सीने में दर्द, सांस लेने में दिक्कत और पीठ के ऊपरी हिस्से में दर्द का कारण बन सकता है। गैस बनना। क्या गैस के कारण पेट में दर्द होता है? अक्सर पेट में गैस बनती है, इसकी वजह से पेट में दर्द होने लगता है। लेकिन इसके साथ ही गैस पीठ, छाती, सिर और घुटनों में भी फंस जा सकती है। जब गैस छाती और पीठ में फंस जाती है तो इस स्थिति में आपको छाती और पीठ में एक साथ दर्द हो सकता है। फेफड़ों का कैंसर। जब फेफड़ों का कैंसर होता है तो व्यक्ति को सीने में दर्द हो सकता है। जब कैंसर के लक्षण बढ़ते जाते हैं तो आपको सीने के साथ ही पीठ की हड्डी में भी दर्द महसूस हो सकता है। पीठ और छाती में दर्द होना फेफड़ों के कैंसर की वजह से भी हो सकता है। छाती और पीठ में एक साथ दर्द कई कारणों से हो सकता है। एंजाइना, हार्ट अटैक, पित्ताशय की थैली में समस्या, पसलियों में समस्या और गैस की वजह से छाती और पीठ में दर्द हो सकता है। अगर आपको बार बार छाती और पीठ में एक साथ दर्द होता है तो इस लक्षण को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि कई बार छाती और पीठ में दर्द कई गंभीर कारणों की वजह से हो सकता है।